नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तीन पुतलियाँ। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराज के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न ही कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार कर उसने सभासदों को पुतले दिखाए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को तीन तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सब ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सब ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। यह देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि यह सब क्या है, इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया कि राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुँह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे है। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।